तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज क्या क्या इशू है बेटे? पहला तो ये है कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना। मैंने एक दो पॉइंट अभी लिखा है, आप नहीं आए थे तब तक मैं, है ना, अभी लेट आया आप लोग। ह्यूमन पॉपुलेशन साइज इंक्रीज, मैंने लिखा है ह्यूमन पॉपुलेशन साइज इंक्रीज इनऑर्मसली इंक्रीज इन लास्ट 100 ईयर्स। पिछले 100 सालों में बेटा बहुत ज्यादा साइज बढ़ी है। इस इंक्रीज को चौथ मिटा दो, ठीक है। लास्ट 100 ईयर्स में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा है। तो पॉपुलेशन बढ़ा है तो बेटा डिमांड भी बढ़ेगा फूड का, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, ऑटोमोबाइल, सारा, है ना। डिमांड ऑफ फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स एंड ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा इंक्रीज, ठीक है। और ये क्या करता है, जब डिमांड बढ़ेगी बेटा तो प्रेशर डालेगा, है ना, एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज विच कॉज पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉयल, ठीक है। कॉपी करो इसको फटाफट, इसको फटाफट कॉपी करो और नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बेटा पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बेटा एक्चुअली इन अनडिजायरेबल चेंजेस है ना, इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, वाटर एंड सॉयल, समझ रहे हो, यही पॉल्यूशन है बेटा। तो पॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखो, इट इज एन अनडिजायरेबल चेंज, इट इज एन अनडिजायरेबल चेंज, undesirable change in the physical, chemical or biological characteristics, in the physical, chemical or biological characteristics of air, water and soil, of air, water and soil को तो हम पॉल्यूशन बोलेंगे बेटा। लेकिन पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? पॉल्यूटेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग दो, पॉल्यूटेंट्स जो पॉल्यूशन करता है ना, कॉज द एजेंट्स, एजेंट्स दैट कॉज पॉल्यूशन, द एजेंट्स दैट कॉज पॉल्यूशन, that cause pollution and bearing undesirable change in the agent that cause pollution and brings undesirable change in the property of air water and soil are known as pollutants, ठीक है। अब ये pollution, next point लिखेंगे, pollution can be natural or man-made. तो man-made को हम क्या बोलते हैं बेटा? anthropological. man-made को हम बोलेंगे anthropological, ठीक है। तो आप बताओगे हमें natural जो पोल्यूशन पोल्यूटेंट होते हैं बेटा वो ज्यादा होते हैं या मैन मेड? पोल्यूटेंट नेचुरल ज्यादा होते हैं या मैन मेड? मैन मेड, आप बताओ आप लोग बेटे, पोल्यूशन मैन मेड नहीं? पोल्यूशन कैन बी नेचुरल, और जो नेचुरल होता है बेटा वो होता है 99.95%
दूसरा होता है बेटा मैन मेड, ये होता है 0.05%। समझ रहे हो, ये मत समझो कि मैन मेड ज्यादा होता है। इसको हम लोग एंथ्रोपोलॉजिकल भी बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब मैन मेड है ना। नेचुरल का एग्जाम्पल लिखो, समझ में आ जाएगा आपको कि कौन ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि दीपावली में पटाखे जलाने चाहिए नहीं जलाने चाहिए, आप क्या समझते हो? हाँ, नहीं जलाना चाहिए, नहीं जलाना, बिल्कुल बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, ठीक है। लेकिन बेटा इतने सारे जो सेलिब्रिटीज हैं, बड़े लोग हैं, अंबानी टाइप के लोग हैं, है ना, आप जानते हो बॉलीवुड में कितने लोग हैं, नेता कितने हैं इंडिया में, इनके एक शादी में इतने पटाखे जलाए जाते हैं जो पूरे शहर में पूरे एक दीपावली में नहीं जलाए जाते, तब नहीं पोल्यूशन होता है। वही रख दीजिए, तब नहीं पोल्यूशन होता है। हमको ये दिखता है कि दीपावली में पटाखे जलाएंगे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होगा। एनालिसिस कहती है बेटा कि 0.3% से भी कम का पोल्यूशन होता है ना, धुआं जो निकलता है उसका दिखता है सर्दी के मौसम में। वैसे ही डेंसिटी ज्यादा होती है एयर सरफेस के, सॉरी अर्थ सरफेस के पास में, इसलिए ज्यादा दिखता है। पॉल्यूशन दीपावली पटाखे जलाने से नहीं बल्कि पहले से ही है, वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, और उतना ज्यादा भी नहीं इंक्रीज करता जितना कि शादियों में और खुशी के मौके पे ये जो बड़े बड़े लोग हैं आतिशबाजी करते हैं, उससे कम होता है इसमें। समझ रहे हो, किसी पर्टिकुलर उसमें रोज कसाई बाड़े में जो काटे जाते हैं एनिमल्स, उस या कोई स्पेसिफिक त्योहार वगैरह होता है कुछ लोगों का, मैं नाम क्यों लूं, आप जो लोग जानते हो, उसको धुलने में साफ करने में इतने पानी खर्च होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पानी कब खर्च होता है, क्या कहा जाता है? होली में मत खेलो कहा जाता है ना। मैं देखता हूं, मैं जहां पे यहाँ पे रहता हूँ बेटा, रोज सबकी कार धुली जाती है और पूरा कचरा रोड पे, पानी की नदी बहती है रोज सुबह, हजारों लाखों लीटर पानी फालतू के रोज बहाए जाते हैं शहरों में, तो बर्बाद नहीं होता पानी। लेकिन अगर आप 2 गिलास पानी से अगर होली खेल लोगे, सब पानी बर्बाद हो जाएगा उसमें। समझ रहे हो, ठीक उसी तरह से जो दिख रहा है आपको बेटा, अगर एक जंगल में आग लग जाए कितना ज्यादा पोल्यूशन करेगा, डबल नुकसान होता है। जैसे आप घर पे बैठ गए, काम करने नहीं गए बेटा, 10 रुपया का खर्च हुआ आपका, तो एक तो 10 रुपया खर्च हुआ, 10 रुपया और उल्टा आता तो 20 रुपये होते आपके पास। समझ रहे हो, मतलब डबल नुकसान बोलते हैं उसको, मतलब एक तो जहां ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही थी वहां वो नहीं हुई, उल्टा और आग लग गई फॉरेस्ट में, तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन हुआ कि नहीं। वॉल्केनिक एरप्शन जो होते हैं बेटा, कितना उससे पोल्यूशन होता है आपको अंदाजा है? आसपास की सारी वेजिटेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, पूरा सब कुछ खत्म, जितना सक्सेशन हुआ पड़ा था सब खत्म, क्लाइमेक्स कम्युनिटी ही खत्म हो जाती है वहां की। तो लिखिए नेचुरल, नेचुरल में लिखो बेटा एग्जाम्पल, ड्यू टू एरप्शन ऑफ, एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं नेचुरल का, ड्यू टू एरप्शन ऑफ वॉल्केन्स, वॉल्केन्स बोलते हैं ना, वॉल्केनिक इरप्शंस, फॉरेस्ट फायर एक्सेट्रा, ठीक है। ये मैन मेड जो है बेटा वो तो अपने एक फिक्स रेशियो से चल रहा है जो नेचुरल है, लेकिन मैन मेड जो एक्टिविटी है बेटा वो थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम होने से बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है सीधे ह्यूमन लाइफ पे। क्योंकि जहां हम रहते हैं वहां पे, वहां का एटमॉस्फियर अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो हमारे पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं मेन कॉज ऑफ द पोल्यूशन। मैन मेड को हम बोलते हैं बेटा, जो अभी जिस पोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, आज बात करेंगे
वो मैन मेड वाले मेन कॉज यही है, समझ रहे हो? मेन कॉज। एग्जाम्पल लिखो इसका, सीवेज इफ्लुएंट्स, सीवेज इफ्लुएंट्स इमिशंस, सीवेज इफ्लुएंट इमिशंस, पानी नहीं रखा, भाग गया पानी, लेकिन रखा है क्या पानी? इमिशंस, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, माइनिंग, माइनिंग में जो काम करते हैं लोग ना, उनको लंग्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। माइनिंग, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, नॉइज एक्सेट्रा। आप लिखो बेटा, बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, हेडिंग दो बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड, पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड, पॉल्यूशन इज ऑफ थ्री टाइप, पॉल्यूशन इज ऑफ थ्री टाइप। पहला एयर पॉल्यूशन, दूसरा वाटर पॉल्यूशन, और तीसरा कुछ आप लोग भी बोलो, सॉयल पॉल्यूशन। बहुत अच्छा, लिख लिया। अच्छा, पॉल्यूटेंट का अभी एक छूट गया है उसमें, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेबिलिटी टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ये भी लिखना है। पॉल्यूटेंट्स वाले में ही लिखवाना चाहिए था, फिर से लिख लो, कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू दियर डिग्रेडेबिलिटी टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स, अकॉर्डिंग टू दियर डिग्रेडेबिलिटी टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स, दो है बेटा। पहला लिखो, जानते हो आप लोग इसको पढ़े थे कब, 10th में पढ़े थे या 9th में, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल पढ़े थे। हाँ, पहला है बेटा बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल और नॉन कंजर्वेटिव पॉल्यूटेंट्स, सब बात एक ही है। बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल और नॉन कंजर्वेटिव पॉल्यूटेंट्स, बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल और नॉन कंजर्वेटिव पॉल्यूटेंट्स, नॉन कंजर्वेटिव पॉल्यूटेंट्स। इसमें लिखो, दे आर डीकम्पोज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटू हार्मलेस प्रोडक्ट्स। हाँ, बायोडिग्रेडेबल में लिखिए, दे आर डीकम्पोज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटू, दे आर डीकम्पोज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटू हार्मलेस प्रोडक्ट्स, हार्मलेस प्रोडक्ट्स। दूसरा लिखिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल और कंजर्वेशन और परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स, चार नाम है इसके। नॉन बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल और कंजर्वेशन और परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स, परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स। इसमें क्या लिखेंगे बेटा, लक्ष्य न, हाँ, नॉट
नॉट डिकम्पोज नेचुरली, दे आर नॉट डिकम्पोज नेचुरली, ठीक है. एग्जाम्पल, लॉन्ग चेन फेनोलिक कंपाउंड, लॉन्ग चेन फेनोलिक कंपाउंड कॉमा ग्लास प्लास्टिक्स एल्यूमिनियम लेड मरकरी मरकरी निकिल क्रोमियम पेस्टिसाइड निकिल क्रोमियम पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड लाइक ब्रैकेट में लिख डीडीटी लिख सकते हो, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट विद स्टार, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड पास्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया गया था बेटा, है ना. पास्ड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरमेंट, protect and improve the quality of our environment in bracket soil water and air, soil water and air. अब बेटा लिखो air pollution and its control. अब वन बाय वन करके एक एक पॉल्यूशन पढ़ेंगे. एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल. टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल. पहला है इसमें लिखो टाइप ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, टाइप ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स. दो है बेटा पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स एंड गैसियस पोल्यूटेंट्स. नंबर वन पार्टिकुलेट पार्टिकुलेट में लिखिए, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स में लिखो इट इज इट कॉन्स्टिट्यूट मेटालिक पार्टिकल्स, इट कॉन्स्टिट्यूट मेटालिक पार्टिकल्स कॉमा डस्ट पार्टिकल्स
डस्ट पार्टिकल्स, मेटेलिक पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स सूट SOOT, मतलब सूट मतलब क्या होता है जानते हो? कालिख, जैसे मान लो यहां पे एक दीपक जल रहा है ऐसे, ठीक है ना, इसके ऊपर एक हम ऐसे कुछ कोई हाँ पॉट रख दें, इसमें इसका सारा कार्बन इकट्ठा होने होने लगेगा, ये है सूट। कालिख जो निकलता है ना चिमनी से, वो सूट है ना, कॉमा एरोसोल्स, AEROSOL, एरोसोल मीन्स सस्पेंशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन एयर, मतलब एयर में जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसको हम एरोसोल बोलते हैं, AEROSOL, सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एयर, कॉमा एंड स्मोक, SMOKE, स्मोक, स्मोक जानते हो, ठीक है। गैसियस पोल्यूटेंट्स, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना है। क्या क्या मैंने बोला? मेटेलिक पार्टिकल्स बोला, डस्ट पार्टिकल्स बोला, सूट बोला, एरोसोल बोला और स्मोक बोला, इतना तो आपको याद रखना है और बहुत आसान भी है। गैसियस पोल्यूटेंट्स में लिखिए, इट कंस्टिट्यूट CO2, NO2, H2S, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2, NO2, H2S, SO2 एक्सेट्रा, स्मोक एंड डस्ट आर एरोसोल, बिल्कुल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हेडिंग हेडिंग लिखो, पोल्यूटेंट्स मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, सॉरी स्मोक गैसियस में नहीं सकता, नहीं वो पार्टिकल्स के फॉर्म में निकल रहा है बेटा, तो उसको गैसियस कहां से बोलेंगे? वो देखो अर्थ सरफेस पे ज्यादा होता है ना, डेंसिटी उसकी ज्यादा होती है, इसलिए पार्टिकल्स है ना वो गैसियस में, SO2, H2S, इसीलिए मैंने क्लियर कट लिखवा दिया कि किसको किस में कंसीडर करेंगे, है ना। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स लिखिए, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स दीज, जो इसमें लिखवा रहा हूं वही है, ठीक है। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में लिखिए, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स दीज आर पोल्यूटेंट्स एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, दीज आर जो सीधे सीधे निकल रहे हैं वो प्राइमरी पोल्यूटेंट होगा, दीज आर पोल्यूटेंट्स एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम अ सोर्स। एग्जाम्पल लिखिए, SO2, NO2, SO2, NO2, CO2, डायरेक्टली सोर्स से निकला और पहुंच गया कहां? एटमॉस्फेयर में। CFC जानते हो कहां से निकलता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। SPM का फुल फॉर्म क्या होगा? चलो अलग से लिख लेना फुल फॉर्म, है ना, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है SPM, VOCs, NH3 etc. VOCs का होगा बेटा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। SPM का होगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये सारे के सारे बेटा प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में आते हैं, याद रखना है आपको, ये सभी क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है, क्योंकि सोर्स से निकल के सीधे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, इसलिए ये क्या है?
प्राइमरी पोल्यूटेंट थे, हो गया लिख लिया ना। सेकेंडरी पोल्यूटेंट लिखो, हेडिंग दो बेटा सेकेंडरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ये डायरेक्टली नहीं निकलते हैं, है ना, ठीक है। दीज आर नॉट डायरेक्टली एमिटेड बट आर फॉर्म्ड, दे आर नॉट डायरेक्टली एमिटेड इमिटेड बट आर फॉर्म्ड व्हेन प्राइमरी पोल्यूटेंट रिएक्ट इन एटमॉस्फियर। अब बता सकते हो कि एसिड रेन कौन सा पोल्यूटेंट, पोल्यूशन पोल्यूटेंट है? रेन अगर होती है तो सेकेंडरी हो जाएगा, जब रिएक्शन के बाद होता है ना। हाँ, दीज आर नॉट डायरेक्टली एमिटेड बट आर फॉर्म्ड व्हेन प्राइमरी पोल्यूटेंट रिएक्ट इन द एटमॉस्फियर। एग्जाम्पल पहला लिखिए, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक एक जितना लिखवा रहा हूं उतना ही पढ़ना है, उसे ज्यादा पढ़ना भी मत, क्या जरूरत है। लिखवा रहा हूं एग्जाम्पल, सेकेंडरी पोल्यूटेंट का एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं बेटा। पहला लिखिए एग्जाम्पल में O3, जो अभी तूने बोला वही लिखो पहले। O3 फॉर्म्ड बाई, O3 फॉर्म्ड बाई NO एंड VOCs, फॉर्म्ड बाई NO एंड VOCs, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट करके और नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिएक्ट करके बेटा क्या बनाते हैं, O3 पैन। ये तो पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल है बेटा PAN, पैन। पैन का मतलब क्या क्या है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये भी बनता है बेटा किससे, NO2 फॉर्म्ड बाई NO2 एंड VOCs, ठीक है। पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है ये, लिख लेना। एक और है बेटा फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग SMOG एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे पोल्यूटेंट का इफेक्ट भी देखेंगे कौन क्या करता है। पहले लिखेंगे इफेक्ट ऑफ, हेडिंग दो इफेक्ट ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का क्या क्या इफेक्ट है बेटा, इफेक्ट क्या, साइड इफेक्ट इस पोल्यूटेंट का, है ना। SO2 SO2 का क्या इफेक्ट है, पहला हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 करके लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता रहता है। SO2 का क्या क्या साइड इफेक्ट है, पहला आफ्टर देखो आपने स्ट्रेस हार्मोन देख सुना है प्लांट में, का सेक्रेशन कब बढ़ता है। हाँ चलो एसिड रेन तो ठीक है, प्लांट्स में बेटा स्ट्रेस हार्मोन का सेक्रेशन कब होता है, कब बढ़ता है, लीफ में जहां ग्रीन पार्ट है सुबह होता है या शाम को। ओपनिंग ऑफ स्ट्रोमेटा में स्ट्रेस हार्मोन का कुछ रोल है, और स्ट्रेस हार्मोन होता कौन सा है बताना जरा, स्ट्रेस हार्मोन का नाम प्लांट्स में क्या है, एब्सिसिक एसिड, बहुत बढ़िया। क्या करता है वो, क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा में हेल्प करता है बेटा, सुना है आपने, क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा में हेल्प करता है। अगर आपको याद हो तो शायद मैंने बताया था, मैंने ही पढ़ाया था प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन, मैंने ही पढ़ाया था आप लोगों को। तो उसमें क्या होता है बेटा, दिन के टाइम में जब सुबह होती है सनलाइट जब तक है, पोटेशियम बाहर आता है, शाम को अंदर जाता है, सॉरी
बाहर अंदर जाता है, प्रोटॉन्स अंदर जाते हैं कि बाहर आते हैं? मतलब सांप होते ही जैसे ही फोटोसिंथेसिस का रेट कम हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बेटा अल्टर कर देता है कौन? एब्सिसिक एसिड। ठीक है, यही होता है। अब इसी तरह से बेटा SO2 क्या करता है, और एनिमल्स में बताओ बेटा, बताओ, आपको सोच समझ के आंसर देना है और एक ही बार में सही बताना है। पोटेशियम के प्लस का कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में ज्यादा होता है या इंट्रा सेलुलर फ्लूड में ज्यादा होता है? मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ के प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में होता है या इंट्रा सेलुलर फ्लूड में होता है, आपको बताना है। अगर भूल गया तो ये भी बताओ कि भूल गए, लेकिन गलत मत बोलना। तो मैं बताऊंगा ना कैसे याद होगा, अभी तक आंसर नहीं आया गौतम वगैरह जो भी हैं। बेटा देखो, मैं याद दिलाता हूं, अब आप खुद ही बताओगे। आप बताओ, नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम आपने पढ़ा है ना, एग्जॉन के अंदर एक्सोप्लाज्म है बेटा, एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम ज्यादा है या एक्सोप्लाज्म के बाहर पोटेशियम ज्यादा है? न्यूरॉन के बाहर पोटेशियम ज्यादा है या न्यूरॉन के अंदर पोटेशियम ज्यादा है? ये तो आपको याद होगा, बोलो, एक्सोप्लाज्म में या एक्सोप्लाज्म के बाहर, ये आपको बताना है। ये तो बता सकते हो आसानी से, लक्ष्य पोटेशियम ज्यादा होता है, या ये भी भूल गया गौतम कुमार, आउट, हायर इनसाइड निशांत, अंदर ज्यादा होता है, इन, अर्पण वर्मा ने बताया इन, अंदर। बेटा ये तो दुनिया जानती है, क्लास टेंथ में से पढ़ते आ रहे हैं, अगर इसको आपने गलत बताया गौतम, आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। ठीक है बेटा, देखो ये न्यूरॉन है, मैं इतना लेट क्यों लगा रहा हूं, ताकि बार बार रटोगे फिर भूलेगा, उससे फायदा क्या? आप सब जानते हो बेटा कि यहां पॉजिटिव ज्यादा होता है ड्यू टू सोडियम, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है ना, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है बेटा, ये इंट्रा सेलुलर फ्लूड है, क्योंकि न्यूरॉन भी एक सेल होता है, एक्सोप्लाज्म भी अंदर का फ्लूड है, तो यहाँ के प्लस ज्यादा है, के प्लस ज्यादा है, यहाँ पे एन ए प्लस ज्यादा है। तो इसी से आपको याद होना चाहिए कि इंट्रा सेलुलर फ्लूड में पोटेशियम ज्यादा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में सोडियम ज्यादा होता है। कहीं भी किस बॉडी में, हमारे किसी भी एनिमल में, कहीं भी, आप हमेशा के लिए याद रखो, आप कहीं भी बेटा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में सोडियम ज्यादा होता है एनिमल के केस में, और इंट्रा सेलुलर में पोटेशियम ज्यादा होता है। क्लियर हो गया बात? ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? ठीक है गौतम, समझ में आ गया? ठीक है बेटा, अब चलो देखो, तो ये क्या करता है बेटा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को ही चेंज कर देता है, किसके रिस्पेक्ट में? पोटेशियम के रिस्पेक्ट में। तो इफ्लक्स होगा पोटेशियम का या इनफ्लक्स होगा? इफ्लक्स होगा, सोडियम बाहर निकल के चला जाएगा तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहला पहला इसका इफेक्ट लिखो, SO2 का लिखो, अल्टर परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, अल्टर परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन बाय इफ्लक्स ऑफ के प्लस आयंस, अल्टर परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन बाय इफ्लक्स ऑफ के प्लस आयंस। इफ्लक्स का मतलब
वैसे तो नॉर्मल में क्या होता है बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अंदर बढ़ा के रखता है के प्लस को, लेकिन परमिएबिलिटी चेंज होने का मतलब यह है इसको बाहर भेज देता, जा तू बाहर, देखो क्या क्या हो सकता है, न्यूरल प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, सेकेंड लिखेंगे, सेकेंड इफेक्ट लिखेंगे बेटा, सेकेंड लिखेंगे SO2 लिख लो तो फिर समझाता हूं। SO2 एक्ट्स एज कंपेटिटिव इनहिबिटर ऑफ CO2, कंपेटिटिव इनहिबिटर ऑफ CO2 ऑन RuBP कार्बोक्सीलेज, RuBP कार्बोक्सीलेज मतलब रूबीस को, उसमें ऑक्सीजनेज नहीं केवल कार्बोक्सीलेज को मान लो, कार्बोक्सीलेज एंड पेप कार्बोक्सीलेज एंड पीईपी फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, है ना, पीईपी कार्बोक्सीलेज ये दोनों प्लांट्स में होते हैं बेटा, कार्बोक्सीलेज एंजाइम्स। अगर दोनों को अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कंपटेटिव इनहिबिटर और नॉन कंपटेटिव इनहिबिटर्स के बारे में आप लोगों को याद है बेटा, स्क्रीन रुकी हुई है मैं देख नहीं पा रहा हूं, बट बताओ क्या लिख रहे हैं सब बच्चे, लिख रहे हैं? हाँ चलो, हम मुझे भी दिखने लगा। तो कंपटेटिव और नॉन कंपटेटिव इनहिबिटर एंजाइम में आप लोगों को याद है कि भूल गया? भूल गया, भूल गया भाई। इधर तो इधर क्या हालत है, गौतम निशांत परीक्षित एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितने बैठे हो गुपचुप। किसी एक कंपाउंड कोई दो अगर बैठना चाहते हो तो उन दोनों बीच कॉम्पिटिशन हो। निशांत याद है बेटा? ठीक है, निशांत ने तो लिखा, यस सर। ठीक है बेटा, देख मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि ये एक एंजाइम है, ये बेटा एंजाइम है, और ये रिएक्ट करता है हमेशा इसके साथ, ये इसका सबस्ट्रेट है। अब जानते हो आप लोग एंजाइम और सबस्ट्रेट तो स्पेसिफिक होता है, ये सबस्ट्रेट इसी एंजाइम इसके साथ एंजाइम के साथ अगर अटैच होता है तो हमेशा यही करेगा, ये इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो इसके पास एक दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे मिल गया, सॉरी सबस्ट्रेट मिल गया, तो अब ये क्या करेगा, ये इसकी एफिनिटी इसके साथ ज्यादा है, तो ये सबस्ट्रेट जो है, ये सबस्ट्रेट जो है बेटा ऐसे ही रह जाएगा, प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होगा, और ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे कि ये कंपटीटर है किसका, इसका, और इनहिबिट कर दिया, रिएक्शन को रोक दिया, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो मिला नहीं ना। अगर याद आया आप लोगों को कंपटेटिव इनहिबिटर एंजाइम वाले टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा लास्ट ईयर। तो बेटा SO2 जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटेटिव इनहिबिटर होता है, और ये दोनों एंजाइम बेटा फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं। आप जानते हो C4 साइकिल में पेप कार्बोक्सिलेज यूज होता है जो CO2 को कंसंट्रेट करता है, लाइक CO एंड SO2। बिल्कुल बेटा हाँ, तो ये लेकिन वहां पे क्या है ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड तो एक तरह से नॉन कंपटेटिव मान के चलो, हाँ वो तो सिर्फ परमानेंट बाइंड ही कर लेता है भाई, तो उसको तो नॉन कंपटेटिव बोलेंगे। कंपटेटिव का मतलब ये होता है कि वो थोड़ी देर के लिए पकड़ा है फिर तो छोड़ देगा, ठीक है। हाँ स्ट्रक्चर दोनों का सेम, तो अरे यार पैरों में, फिर तो ये डेटा फोटोसिंथेसिस तो इनहिबिट करेगा, बिल्कुल करेगा बेटा। तो लिखिए SO2 एक्ट्स एज कंपटेटिव इनहिबिटर ऑफ CO2 ऑन RuBP कार्बोक्सिलेज एंड पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स, दस
फोटोसिंथेसिस इनहिबिटेड, दस फोटोसिंथेसिस इनहिबिटेड, फोटोसिंथेसिस को बेटा ये कम कर देगा। तो दो हमने इसका इफेक्ट देखा बेटा, एक तो इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम कर दिया इसने, दूसरा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डाउन कर दिया, थर्ड लिखो SO2 cause irritation of eyes, आंखों में जलन है ना, कॉमा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डैमेज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डैमेज। बट एक चीज और मैं थोड़ा रोक के पूछना चाहता हूं आपसे कि एयर पोल्यूशन का प्राइमरी कॉज क्या है, क्या होता है बताना जरा, एयर पोल्यूशन का प्राइमरी कॉज कौन ज्यादा एयर पोल्यूशन कर रहा है, ऑटोमोबाइल्स, नहीं ऑटो बहुत सारे हैं, सो कार्बन मोनोऑक्साइड भी है उसमें, ऐसी बात थोड़ी ना केवल SO2 है, बहुत सारे जो जितना मैंने पोल्यूटेंट्स लिखा है ना, मैक्सिमम पोल्यूटेंट्स वहीं से निकलते हैं बेटा, ऑटोमोबाइल्स से, ठीक है ना। लोग चलो लिखो, पहले इसको कंप्लीट करो फिर बताते हैं। SO2 कॉज इरिटेशन ऑफ आईज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डैमेज, कॉमा ब्रोंकाइटिस, अस्थमा एक्सेट्रा, ब्रोंकाइटिस अस्थमा एक्सेट्रा, फुल स्टॉप कंटिन्यू, मैक्सिमम SO2 पोल्यूशन इन, अस्थमा एक्सेट्रा, उसी में फुल स्टॉप के बाद कंटिन्यू करके लिखो बेटा, मैक्सिमम SO2 पोल्यूशन इन कहां पे है, मैं ऑप्शन देता हूं चार, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, प्रक्षित वालिया ने लिखा है मुंबई, गौतम ने कहा दिल्ली, अर्पण ने वर्मा ने लिखा मुंबई, निशांत कुमार दिल्ली, आप लोग दिल्ली, मैं लिखता हूं कोलकाता। अभिजीत ने सही बताया भाई, सही बताया मतलब ऐसा लिखा कि चलो मैं कोलकाता लिखता हूँ कोई सही हो जाएगा कोलकाता है बेटा, सबसे ज्यादा कोलकाता में है ना, अभी पता नहीं लेकिन पहले था एनसीईआरटी में लिखा है, अच्छा बाई चांस अभिजीत लिख रहा है कोई नहीं, कोई बात नहीं बेटे, चलो कोलकाता में लिख है बेटा, है ना SO2 पोल्यूशन कोलकाता में ज्यादा है। अब लिखो नेक्स्ट, लिखो फोर्थ, ये तो थर्ड हो गया, फोर्थ लिखिए बेटा, मूर्तियों का कलर और ताजमहल का कलर भी चेंज हो रहा है ड्यू टू SO2, लिखिए डिसकलरेशन एंड डिटेरियोरेशन ऑफ बिल्डिंग्स, डिसकलरेशन एंड डिटेरियोरेशन ऑफ बिल्डिंग्स, ऑफ बिल्डिंग एंड स्कल्पचर्स जानते हो ना, मूर्ति एंड स्कल्पचर्स, मूर्ति जो ऐसे चौराहे पे लगी होती है बड़ी बड़ी, मतलब बहुत महंगी महंगी मूर्ति है ना लगी रहती है, वो भी डैमेज हो रहा है बेटा ड्यू टू SO2, आर ड्यू टू SO2, बिल्डिंग एंड स्कल्पचर्स आर ड्यू टू SO2। नेक्स्ट पॉइंट, बिना पॉइंट के बिना नंबरिंग के लिखेंगे, येलोइंग एंड ब्लैकनिंग ऑफ ताजमहल एट आगरा, येलोइंग एंड ब्लैकनिंग ऑफ ताजमहल एट आगरा इज ड्यू टू SO2।
नेक्स्ट लिखिए, पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड बाय मथुरा रिफाइनरी, पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड बाय मथुरा, हाँ SO2 में ही लिखना है, SO2 में ही लिखवा रहा हूं सारा मैं अभी। पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड बाय मथुरा रिफाइनरी विच इज कॉज्ड स्टोन कैंसर, स्टोन के कारण कैंसर है ना, स्टोन कैंसर। वहां बहुत कम लोग जाते हैं सर्विस करने, जाते भी है पोस्टिंग होती है भी तो वहां से भाग जाते हैं, साल दो साल के अंदर अंदर निकल लेते हैं, मतलब घर चेंज करा लेते हैं, ट्रांसफर करा लेते हैं, ऊपर नहीं चले जाते। हाँ बेटा, SO2 पॉल्यूशन समझ में आ गया। अब लिखेंगे बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये दोनों व्हीकल से निकलते हैं बेटा, ये भी जान लेना। जितना जहां भी बर्न होता है ना पेट्रोलियम से, उससे ज्यादा निकलते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ज्यादा निकलते हैं ये। कार्बन मोनोऑक्साइड का मेन सोर्स तो ऑटोमोबाइल ही है ना। अब लिखो इफेक्ट ऑफ CO, और कार्बन मोनोऑक्साइड तो बेटा टोटल एयर पोल्यूशन का 50% होता है, ये भी तो देखो। पहला पॉइंट तो हम यही लिखेंगे इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड में इफेक्ट ऑफ CO, पहला पॉइंट क्या लिखे बेटा बताओ। CO इज इक्वल टू 50% ऑफ टोटल, 50% ऑफ टोटल एयर पॉल्यूटेंट्स, 50% ऑफ टोटल एयर पॉल्यूटेंट्स, फुल स्टॉप। CO कंटिन्यू, CO कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज्ड बाय CO रिलीज्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ combustion, कंबस्टन, इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। सबसे ज्यादा वहीं से निकलता है, और एयर पोल्यूटेंट्स में बेटा इसका 50% कंट्रीब्यूशन है कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, CO रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड एंड दस कॉज, CO रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड एंड दस कॉज and thus cause asphyxiation, asphyxiation, asphyxiation है ना, डिजीज है। इसका मतलब क्या होता है, इसका सिम्टम लिख लेते हैं, है? हाँ, फीटल डिजीज कह सकते हैं, मार देता है। तो अगर डिपेंड करता है कि कितने देर, कितने नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को इसने डैमेज किया, कितने परसेंट डैमेज किया है। आप देखते हो अंगूठी जला के लोग कमरे में सोए हुए हैं सुबह, और मजे की बात है इसमें पता भी नहीं चलता उनको, बोलते भी नहीं, जानते हो क्यों? क्योंकि उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी भाई, पेन हो रहा है तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, और वो मिल ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन है ही, मिली नहीं रहा ऑक्सीजन। लॉन्ग इनहेलेशन कॉज डेथ, बिल्कुल बेटा, तो पता भी नहीं लगता ना, और डेथ हो जाती है, एनर्जी का प्रोडक्शन बिल्कुल रुक गया है, उनको पता भी नहीं चला, चिल्ला भी नहीं पाएंगे वो, क्योंकि चिल्लाएंगे तो तब जब एनर्जी मिलेगी, वो मिल ही नहीं रही, ठीक है ना। तो चलो, इसका एस्फाइजेशन का ये कॉज करता है CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सिम्टम्स लिखिए, पहला ब्रीदिंग में जो बेटा कमी हो जाते हैं, वीक ब्रीदिंग,
ठीक है, सारे सिम्टम्स लिख रहे हैं। दूसरा लिखो स्किन कलर भी चेंज हो जाता है, ब्लूइश और ग्रे। इसमें स्किन कलर जो होता है बेटा वो ब्लूइश और ग्रे कलर का हो जाता है स्किन कलर। और क्या होगा, लो हार्ट रेट, लो हार्ट रेट कम हो जाएगा, और पुअर मसल टोन, मसल टोन, और ब्लड एसिडिक होगा कि बेसिक, ब्लड बिकम एसिडिक, एस्फाइजिएशन का सिम्टम है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, मैक्सिमम सीओ कंसंट्रेशन इज प्रेजेंट इन, मैक्सिमम स्टार लगा लेना, मैक्सिमम सीओ कंसंट्रेशन इज प्रेजेंट इन कोलकाता, ब्लू बेबी सिंड्रोम, बिल्कुल बेटा गौतम। मैक्सिमम सीओ कंसंट्रेशन इज प्रेजेंट इन कोलकाता, इन ब्रैकेट विद अंडरलाइन 35 ppm पार्ट्स पर मिलियन होता है ना, 35 ppm। और कानपुर में कितना है उसको हम क्यों बोल रहे हैं भाई, इन कानपुर 30 ppm बेटा, कोलकाता में तो 35 ppm है, कानपुर में भी कम नहीं है, ये यहां भी कितना है, बहुत सारी फैक्ट्रीज वहां पे, हाँ 30 ppm, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अब दूसरा है लेड, LED, लेड, PB, रिलीज्ड बाय कंबस्शन ऑफ पेट्रोल, ये भी है PB, रिलीज्ड बाय कंबस्शन ऑफ पेट्रोल, रिलीज्ड बाय कंबस्शन ऑफ पेट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे लेड में, डिस्टर्ब्स नर्वस सिस्टम, PB, डिस्टर्ब्स नर्वस सिस्टम, लीवर, किडनी इन एडल्ट, कॉमा, कॉज ब्रेन डैमेज इन चिल्ड्रेन, कॉज ब्रेन डैमेज इन चिल्ड्रेन, क्या क्या लिखा, डिस्टर्ब पीबी, डिस्टर्ब नर्वस सिस्टम, लीवर, किडनी डैमेज, कॉमा, कॉज ब्रेन डैमेज इन चिल्ड्रेन, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें दो तीन लाइन लिख लो फिर देखते हैं। इट इज रिलीज्ड इन सेरामिक्स, CERAMICS, CERAMICS, सेरामिक्स, ये बेटा चीनी मिट्टी का पार्ट होता है, जहां बनता है ना वहां पे, चीनी मिट्टी जानते हो ना, वो बर्तन होते हैं उसमें से जहां बनता है ना उसमें से निकलता है, ठीक है। सेरामिक इंडस्ट्रीज, एल्यूमिनियम रिफाइनरीज एक्सेट्रा, इट इज रिलीज्ड इन सेरामिक
क्लॉक्स इंडस्ट्रीज, सेरामिक्स इंडस्ट्रीज एंड एल्यूमिनियम रिफाइनरीज एक्सेट्रा. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट्स हाई कंसंट्रेशन कॉज फ्लूरोसिस इन एनिमल्स, FLUOROSIS. पकड़ो बैठो अभी. फ्लूरोसिस, FLUOROSIS, फ्लूरोसिस इन एनिमल्स. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पीटेड इनेमल्स दैट इज डिफिकल्ट टू क्लीन. मतलब इनेमल्स जो है काले पड़ जाते हैं. इनेमल जानते हो कि वो भी बताना पड़ेगा, जानते हो ना. पीटेड इनेमल्स दैट डिफिकल्ट टू क्लीन, ये बेटा हाइड्रोजन फ्लोराइड्स के कारण होता है. ठीक है. अब हेडिंग दो, इफेक्ट ऑफ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स. इफेक्ट ऑफ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स, इफेक्ट ऑफ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स वो कल करेंगे.